हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको रेडमी 3S में चार्जिंग प्रॉब्लम को जम्पर द्वारा कैसे बनाएंगे इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है और चार्जिंग कनेक्टर के ये हमारे पॉइंट बने हुए हैं। तो इस तरफ से जो पहला पॉइंट है वो हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड वाला पॉइंट यहाँ से जम्पर लेकर यहाँ पर लगा देंगे तो ये ग्राउंड का हो जाएगा। और इस तरफ से दोस्तों जो पहला पॉइंट दिया गया ये हमारा प्लस पॉइंट है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉइंट से प्लस पॉइंट से हम एक जम्पर लेंगे और इस वाले कैपेसिटर पर इस तरफ लगा देंगे। अगर यहाँ से भी चार्जिंग नहीं होती है तो फिर से हम यहाँ प्लस वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट से हम एक जम्पर लेंगे और वो जम्पर आपको यहाँ पर देखिए ये ब्लैक कलर की जो आईसी लगी हुई है इसके बगल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर पर हम ऊपर की साइड लगा देंगे। ये प्लस पॉइंट का जम्पर हो गया। चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जम्पर करना है। इस तरह से जम्पर करने से आपके फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।